हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स बॉय प्लेज। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मेरे कैसल में एक TNT कैनन, जो कि आप अपने कैसल में बना सकते हैं। सो पीछे आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैसल है, जो कि दिखने में इतना बड़ा तो नहीं है। जेन्युइनली मुझे तो ये कैसल बड़ा बनाना था, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने जैसा था वैसे ही बना दिया। तो लेकिन आप जो मैं कैनन बता रहा हूँ आपको बनाने के लिए, वो आप कहीं भी बना सकते हैं, अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने कैसल में भी। चलो मैं आपको अपना कैसल दिखाता हूँ। तो आ गए हैं हम अपने कैसल में। तो ये सनसेट हो रहा है इस तरफ, और उसके ऑपोजिट साइड में मून राइज, और ये है मेरा कैसल जो कि रात में ऐसे दिखता है। वो अभी बारिश भी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। तो बाहर आप देख सकते हैं कि इधर मैंने कोबलस्टोन से कुछ पैटर्न्स बनाए, इससे थोड़ा अच्छा लुक मिल सके। सो या यू कैन सी, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आपको दिखने को मिलेगा कुछ सोफ़ास और बहुत सारे लैंटर्न्स, और ये कारपेट्स भी है येलो और रेड, और ये साइड्स में प्लांट्स, और इस तरफ है मास्टर बेडरूम, और ये पेंटिंग, और नीचे भी ब्लू कलर के कारपेट्स, और इस तरफ है हमारा जो कि टावर है, वॉच टावर। चलिए ऊपर चलते हैं। अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हाँ हो गया, चलो। सो ये हियर यू कैन सी द वॉच टावर ऊपर से। अभी तो अंधेरा हो रहा है, इससे कुछ दिख नहीं रहा, बट दिन में आपको सब इधर से दिखाई देगा। लेट्स गो। और ये है मेरा छत कासल का ऊपर से, और इधर भी कुछ सोफ़ाज है जो कि स्टेयर्स है एक्चुअली, और ये स्टेयर ऊपर जाने के लिए। अभी कैनन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। पहला आपको जो चाहिए वो है ऑक्सीडियन और फ्लिंट एंड सेल, देन TNT, देन डिस्पेंसर, देन वो स्विच, और कोबलस्टोन लैम्प्स, इससे आपका हो जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर बकेट। तो अभी आपको 2x6 या 7 का ऑक्सीजन से लेन लगाना है, और हो गया 2x7, और इधर भी साइड्स में भी, ताकि आपका जो है कैसल वो डिस्ट्रॉय ना हो। अभी साइड में भी हम लगा देंगे 7 ब्लॉक्स ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हमको लगाना है एक डिस्पेंसर, और इस तरफ स्विच या लीवर आप जो भी बोले। एंड अभी जो ये डिस्पेंसर, इसके अंदर हमको थोड़े बहुत TNT डालने हैं, और अभी सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा वाटर बकेट, जिससे ये जो TNT है आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, वो है वाटर। वाटर को ऐसे आपको डालना है जैसे ये फ्लो करे, ना कि स्टिल रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर बहना नहीं चाहिए बिल्कुल शेप में, या अभी हम हमारे हाथ में थोड़े बहुत TNTs लेने हैं अंदर से। सो या लेट्स ट्राई इट। तो चलिए देखते हैं कि ये TNT अच्छे से उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या नहीं। सो या उस तरह डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
तो अभी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। दो ब्लॉक छोड़ के आपको TNT रखना है, उसके बाद आपको ये लीवर ओपन करना है। अरे ये विलेजर कहाँ से आ गया? व्हाट? अच्छा अंदर विलेजर का एक एग था। ओह अच्छा। अरे मामू हटो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। अरे हटे भाई, हटो यार। तो ये तो ट्रेजेडी हो गया हम लोग के साथ, मुझे पता ही नहीं था कि अंदर विलेजर का एक एग भी है। तो अभी देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं। अरे 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 इसको सो यही गलती करते हैं हम, पहले हमको वो जो डिस्पेंसर है उसमें से बम निकाल के उसके एक दो सेकंड के बाद ही दूसरा वाला TNT हमको फोड़ना है, तभी ये फॉरवर्ड मूव करे। जैसे ये इसको फोड़ दिया, ये फूटेगा और उसके प्रेशर से ये उस डायरेक्शन में जाएगा। सो या यू कैन सी इट्स वर्किंग। फिर से ट्राई करते हैं, दो ब्लॉक छोड़ के एक TNT, देन स्विच ऑन। अब इसको ही फोड़ देना है। सो या लेट्स, इट्स कमिंग। सो या सक्सेसफुल। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ब्रिक्स से, जो कि कैन की तरह लगे। सो यह अपने डिज़ाइन के मुताबिक कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने दूसरा कैनन बनाया उस डायरेक्शन में, क्योंकि विलेजर्स या कुछ और उस तरफ से आ सकते हैं, तो आप इधर से भी और एक बना के उनके ऊपर फायर कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, दो ब्लॉक छोड़ के TNT ब्लॉक, देन स्विच ऑन। और ये भी सो या यू कैन सी इट्स वर्किंग रियली नाइस। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, अपने कासल, अपने विलेज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।